अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद ये है कि ताइवान स्कॉलरशिप जो आया हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में डिस्कशन है कि ताइवान स्कॉलरशिप में कौन कौन अप्लाई कैसे कर सकता है, कौन कौन कर सकता है, कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, मैंने अपने ग्रुप में भी ये जो कैरियर हेल्प डेस्क का नाम से जो ग्रुप है इसमें भी पोस्ट की हुई है, तो ये मैं आपको यहाँ से बताता चलूँगा। ताइवान स्कॉलरशिप इंटरनेशनल फॉल 2019 इस वक्त ओपन है। ये भी स्कॉलरशिप उसी तरीके से आता है जैसे चाइना के स्कॉलरशिप्स आते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो डेडलाइंस होती हैं वो वैरी करती हैं, इसी तरीके से ये इसकी भी आई हुई हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है, आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है, इस चीज़ की कन्फ्यूजन ना हो किसी को भी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं कॉमेंट्स कर रहे हैं कि ये फुली फंडेड नहीं है, इसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं या बाद में आपको बेयर करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जैसा कि आपको चाइनीज सीएसई ऑफर करती है, जो लास्ट टाइम है 2018 में मोर देन 2000 स्टूडेंट्स जो हैं स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हुए थे, और इस बार भी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ही में भी जो हैं स्टूडेंट्स सेलेक्ट हों। जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी क्यूएस रैंकिंग में अंडर 400 जो है रैंकिंग में आती हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप्स ओपन किए हुए हैं और डेडलाइन भी उनकी जो है मोस्टली जो है मार्च 2019 ही है। अब इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है? इसमें अप्लाई करने का ये तरीका है कि आपको अलग से कोई एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप सीएससी में अप्लाई करते हो, सीएससी पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है और यूनिवर्सिटी के चैनल पे भी अप्लाई करना होता है। तो इस स्कॉलरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है, वहाँ पे अपनी फंडिंग सोर्स सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे आपको जो है गिवन होगा कि आपका जो फाइनेंशियल एड है या आपकी जो फाइनेंशियल सोर्स है वो कौन है। वहाँ पे जो जो स्कॉलरशिप्स ऑफर होंगे या जिसमें आप करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि सीएससी में भी यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है, सीएससी का अपना स्कॉलरशिप है, या और भी जैसा कि रोड बेल्ट स्कॉलरशिप है, या और स्कॉलरशिप्स हैं सोर्सेज हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे जो आपने सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देखें भी लिस्ट गिवन है कि फाइव मेडिकल यूनिवर्सिटी, डेडलाइन 28 फेब, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी 5th मैच, फेंग चे यूनिवर्सिटी, ये आप देख रहे हैं, ये लिस्ट है तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जिन्होंने अब तक ये स्कॉलरशिप्स ऑफर कर दिए है, उनकी डेडलाइंस यहाँ पे आप देख सकते होंगे। तो आज जो है मैं आपको इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्रोसीजर बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि ये आपके पास यूनिवर्सिटीज लिंक गिवन है, आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये आपके पास मेन वेबसाइट और उसका जो है इंट्रोडक्शन स्कॉलरशिप का या जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो है यहाँ पे ये सारी डिटेल आ गई है कि बैचलर प्रोग्राम्स कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मास्टर प्रोग्राम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पीएचडी प्रोग्राम्स में कौन अप्लाई कर सकता है, ये इंग्लिश में होगा या किसी और लैंग्वेज में होगा। मोस्टली जो है ताइवान में इंग्लिश के ही प्रोग्राम्स हैं, आप इंग्लिश में ही स्टडी कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ट्यूशन फीसेज क्या होंगी अगर आप स्कॉलरशिप में सेलेक्ट नहीं होते, स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड कौन कौन से स्कॉलरशिप में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्कॉलरशिप है, फुल ट्यूशन है, हाफ ट्यूशन है एंड लिविंग अलाउंस है, यहाँ पे इनकी डेडलाइंस दी हुई हैं, डिफरेंट पीरियड्स हैं, डिफरेंट डेडलाइन है, और यहाँ पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग है। यहाँ पे आप इनकी मेन साइट पे देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये चीज़ जो है इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम वाला सामने आएगा, जिसमें ये आपको बता रहा है स्टेप 1 क्रिएट एन अकाउंट, स्टेप 2 चूज अ प्रोग्राम, एग्री यूज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिल इन द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सबमिट एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है, पासवर्ड आप कोई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, और ये वेरिफिकेशन कोड, ये देखें जी ये आपका जो है लॉगिन रजिस्टर्ड हो गया, और सामने जो है आपके ये बुकमार्क ऑप्शन आया कि आप करना चाहते हैं, ये देखें सामने जो है आपके ये एरो का निशान है, इस पे डिफरेंट सेक्शन है, क्रिएट एन अकाउंट, चूज प्रोग्राम,
एग्री एंड यूज़ जो आपने करनी है, फिल इंफॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट एप्लीकेशन। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए, आपने उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर के लिए करना है तो मैंने मास्टर कर लेना है। प्रोग्राम्स यहाँ पे ये देखें, अब कुछ ही सेकंड के बाद ये प्रोग्राम्स आपको ऑफर होंगे। यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो जो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही प्रोग्राम्स हैं आप कर सकते हो। जैसे मेरी केमिकल इंजीनियरिंग, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली है। केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद प्रोग्राम्स पार्शली टॉट इन इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। आइडेंटिटी क्या है, न्यू स्टूडेंट, क्योंकि हमारी पहले इससे कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई, आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये जो है उनका पर्पस ऑफ द कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर फॉर्म, कैटेगरीज कलेक्टेड, ये सब कुछ है यहाँ पे, आपने इसको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद ये आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, सारी इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये आपकी पेरेंट्स है एंड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है जो भी है। यहाँ पे आपका मेलिंग एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस के बाद ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है जो आपने देना है। जैसा कि हाई स्कूल है, फिर अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट स्कूल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप अपनी मैट्रिक की, एफएससी की देंगे, अंडर ग्रेजुएट बैचलर की देंगे, हाईएस्ट डिग्री जो भी होगी आपकी, क्योंकि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए होगी, अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएट के लिए होगी। डू यू नीड टू अप्लाई एफ सी यू स्कॉलरशिप, यानी कि ये इसी यूनिवर्सिटी का फाइनेंस, जो यूनिवर्सिटी है उसका स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल एड, आपने इस पर क्लिक कर देना है यस, कि जी मुझे ये बिल्कुल चाहिए। अब यहाँ पे जो है लैंग्वेजेज आ गई हैं कि आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आप फर्स्ट फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज के बाद हैव यू टेकन एनी इंग्लिश टास्क प्रोग्राम, आप यहाँ पे बता सकते हैं येस एंड नो, अगर कोई नहीं है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि योर मीडियम ऑफ लर्निंग वाज इंग्लिश, और चाइनीज लैंग्वेज अगर आपके पास है तो आपने बता देना उसके बारे में, अगर नहीं है तो आपने उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। नो पे क्लिक कर देना, सिंपल सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो जो आपका लेवल है इंग्लिश का आपने वो करने के बाद इसको एंड पे सबमिट कर देना। ये सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है ताइवान स्कॉलरशिप के लिए, ये सीएससी की तरह कोई जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको अलग अलग करना पड़े, काफ़ी मुश्किल, बहुत आसान है, बहुत आसान। ऐसा कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश नेम में फर्स्ट नेम आएगा आपका, मिडिल नेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लास्ट नेम जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है तो फर्स्ट में मोहम्मद आ जाएगा, लास्ट नेम में उस्मान आ जाएगा। चाइनीज़ नेम आपने छोड़ देनी है, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल एड्रेस, पेरेंट, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट है अगर आप किसी का देना चाहें, भाई का देना चाहें, अम्मी का देना चाहें, अपने वालिद साहब का देना चाहें या किसी दोस्त का देना चाहें, आप यहाँ पे दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन ताइवान के, ताइवान में कोई आपके पास ऐसा है, कोई दोस्त है, कोई स्टूडेंट है या कोई प्रोफेसर है जो आपसे कॉन्टैक्ट में हो, आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा जी, मेलिंग एड्रेस आपका कौन सा है, मतलब कि आपने एड्रेस स्ट्रीट देना है, अपने पोस्टल एड्रेस जो है, जिप कोड, ये बिल्कुल करेक्ट देना है ताकि अगर आपकी सिलेक्शन होती है उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स टाइम से आप तक पहुँच सकें। यहाँ पे सेल फोन है, टेलीफोन है, यहाँ पे अपने दोनों मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने आपका जो सेक्शन आएगा वो एफएससी का सिंपल आएगा, और अगर मास्टर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने एफएससी अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर का ऑप्शन आएगा, अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो साथ में ग्रेजुएट का सेक्शन भी आप फिल करेंगे। फाइनेंशियल एड में बता चुका हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज सिंपल वही, इसके बाद आपने क्या कर देना, सबमिट कर देना है। ये सिंपल जो है आपकी एक जनरल सी जो है इंफॉर्मेशन है, सिंपल एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसके मुझे मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम फेस हो, अगर कोई होती है, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस स्कॉलरशिप के लिए किसी भी स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना होता है, तो इसका सिंपल प्रोसीजर यही है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करेंगे, कोई फर्दर और एप्लीकेशन नहीं है स्कॉलरशिप के लिए डिफरेंट, आपकी यही एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर की जाएगी। फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि इस स्कॉलरशिप के लिए कोई आपको एक्सेप्टेंस लेटर या प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे किसी और यूनिवर्सिटी का जो इसके अंडर हो, स्कॉलरशिप के अंडर, जैसा कि वहाँ पर मैंने आपको दिखाई ये यूनिवर्सिटी है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका ऑनलाइन पोर्टल आपको ओपन करके दिखाएं कि वो कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।